Audio Jungle. आम आदमी पार्टी ने 24 जनवरी शुक्रवार को वजीरपुर विधानसभा के नीमड़ी कॉलोनी और भारत नगर में पैदल यात्रा निकाली। इस दौरान लोगों ने विधायक राजेश गुप्ता के कामों की सराहना की और उनका जमकर स्वागत किया। आम आदमी पार्टी के इस पैदल मार्च में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों का जमावड़ा देखने को मिला। लोग बहुत खुश है और पांचवें साल में जब विधायक अक्सर आते हैं तो उनके तो कपड़े फटने की नौबत आ जाती है। अभी पूरे जितने इलाकों में घूम रहा पहली बार, अभी हमारी माता जी ने एक सवाल पूछा जो मेरे से वो पूछा तो वो किसका पूछा, अब बहुत अच्छा है कि अब आप कैमरे पे आ गए तो पूछा तो सफाई नहीं हो रही। अब मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता किसके पास में है। उन्होंने दूसरी मुझे तकलीफ बताई, कोई मीट की दुकान यहाँ पे खुली है, वो मीट की दुकान में आपको पता है लाइसेंस कौन देता है। मेरे लिए एक भाई साहब ने अभी खड़े थे, उन्होंने कहा कि कुछ बसेस की प्रॉब्लम है, वो मेरा काम है। मैंने उनको कह दिया कि अभी हजार जैसे आई है और अब वो लगने वजीरपुर को मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा पानी फीवर की कोई खास प्रॉब्लम है नहीं, पीछे अगर आप आए तो अभी भी तीन लाइन है, अभी भी डल रही है जो और प्रेशर बढ़ाने के लिए पानी था लेकिन और ताकि प्रेशर बढ़े तो लोग डीए के अंदर भी हुआ पानी की एक नई लाइन अभी मैंने डाली है। भारत नगर में भी अब चलेंगे, जिम भी लग गया और यहाँ पे बुनकर में वो पूछ रहे थे कि मैंने और क्या कराया क्योंकि आप बुनकर में एक मिनट अभी आप बुनकर में क्योंकि खड़े हुए हो, बुनकर के अंदर की सारी गलियाँ जैसे कि सभी जानते हैं कि वो एमसीडी के अंदर कराती है, उसके बावजूद दो करोड़ रुपए सिर्फ बुनकर के पास हुए जिसका तकरीबन 20 दिन पहले मैंने मुहूर्त करा और बुनकर की सारी गलियां बननी शुरू हो जाएंगी। अभी लोगों के उत्साह और प्यार को देख राजेश गुप्ता ने लोगों को धन्यवाद किया और कहा कि उनके कामों पर जनता अवश्य मोहर लगाएगी। कई स्थानीय निवासियों ने यहाँ की निगम पार्षद के कामों पर भी सवाल उठाया। जिम लग रहा है बुनकर के अंदर, पोल खड़े हो चुके, लाइट अपने सारा एमसीडी का ही है, अंदर आपको मालूम है कुछ भी नहीं होता। कैमरे लगे हैं वो मैं लगा सकता था, वो मैंने लगा दिया। तो जो काम उनके पास में आती थी भाई सिक्योरिटी का आता था, ये कह रहे गाड़ियाँ चोरी होती है तो हमने कैमरे लगा दिए क्योंकि पुलिस तो उनके पास में, गलियाँ उनके पास में थी, गलियों को ठीक नहीं करते थे, नालियाँ सारी बंद है, हमने नया पैसा दे दिया, हमने पैसा दे दिया कर लो। सीवर अब पानी हमारे पास में आता था वो अपने एंक्रोचमेंट को एंक्रोचमेंट करवाते रहते हैं, उसमें सारे गंदगी डालते हैं फिर भी सीवर को कंटिन्यूअसली साफ करते रहते हैं। तो जो उनके काम है उनको कंटिन्यूअसली करे चले जा रहे हैं। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल है बिल्कुल बुनकर के साथ लगा हुआ है, सबसे ज्यादा फायदा शायद दीपचंद बंधु हॉस्पिटल से इनको मिलता हूँ। दो मोहल्ला करेंगे इनके बिल्कुल पास बना दिए, नीमड़ी के बिल्कुल सामने और इधर एस एफ एस के सामने, ताकि कहीं भी दूर इनको ना जाना। लेकिन अभी भी जैसे कह रहे हैं कि मन करता है कि और हो जाए और हो जाए और हो जाए, क्योंकि जनता हमेशा बच्चों की तरह होती है कि चाहती है और हो जाए, हमारा काम है, हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। आम आदमी पार्टी को लेकर जनता का उत्साह देख ये कहना गलत नहीं होगा, आम आदमी एक बार फिर आम आदमी पार्टी पर भरोसा जता सकता है। कैमरामैन अमन के साथ रिशु तृप्ता ऋषि और मैं अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज ब्यूरो।